हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में हम दिवाली के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा फैब्रिक मेरे पास रखा हुआ था, इसकी हेल्प से हम आज बहुत ही सुंदर और फैंसी ड्रेस बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो अब हम ड्रेस तैयार करेंगे वो करेंगे, देखिए हम ये 8 इंच का डायामीटर है। आप 3 नंबर को भी पहना लेंगे अगर थोड़ा सा बड़ा घेरा पहनाना चाहते हैं तो। बाकी ये 4 नंबर के लिए है और ये 5 नंबर को भी बहुत आराम से आ जाएगी। तो 3, 4, 5 आप उसको पहना सकते हैं। 3 के लिए अगर आपको छोटा डायामीटर कट करना है तो आप यहाँ पर 7, 7.5 इंच का डायामीटर भी कट कर सकते हैं। अब देखिए, बेस मैंने पहले से ही बना करके रख लिया था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ पर जा करके पहले इस बेस को बना लें, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको अभी बताऊँगी। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें ये कपड़ा लेना है जो हमारे पास रखा हुआ था और बहुत ही सुंदर ड्रेस तैयार करेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिए, बीच में स्किप मत करिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब जो हमारा ब्लू कलर का फैब्रिक था, देखिए उसमें से हमने ये पीस कट कर लिया है और इसका मेजरमेंट है यहाँ पर देखिए 4x4। हमने एक चौकोर पीस कट कर लिया है 4x4 का, और देखिए इसमें सीधी उल्टी साइड देखेंगे, ये उल्टी साइड है। इसको हमें यहाँ से देखिए ऐसे फोल्ड करना है, एक बार फोल्ड करके फिर हम करेंगे इसको दोबारा से फोल्ड। देखिए इस तरह से ट्राइंगल बना लेंगे, और ट्राइंगल बनाने के बाद इसको हमें देखिए यहाँ से निडल से स्टिच करना है। निडल इधर से डालेंगे, थोड़ी सी दूरी से एक टाँका ऐसे लेंगे, फिर थोड़ी सी दूरी से एक टाँका लेंगे, फिर थोड़ी सी दूरी से एक टाँका लेंगे, इस तरह से लेकर के अब लास्ट में यहाँ पर इसको हम निकाल देंगे। और ये जो नीचे का पोर्शन है देखिए, इसको ऐसे पकड़ लेंगे इस तरह से, और ऊपर का ऐसे पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद नीडल को निकाल देंगे दूसरी साइड, और पहले इसको हम चारों तरफ से देखिए ऐसे कवर कर लेंगे धागे की हेल्प से। फिर इसके अंदर नीडल डाल देंगे एक बार, देखिए हमने ये नीचे की साइड से डाली, फिर धागा ऊपर लेकर आएंगे, फिर हमने ये निडल ऊपर की साइड से यानी कि सेंटर में से ऐसे डाल दी। अब देखिए ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हमें इसमें यहाँ पर देखिए नोट लगा देनी है, और नोट लगा करके धागे को कट करना है। तो यहाँ पर मैं देखिए 2 नोट लगा दूंगी, जिससे कि ये अच्छे से पक्का हो जाएगा और फिर ये खुलेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 नोट मैंने लगा दी, धागे को कर देंगे कट। और धागा कट करने के बाद देखिए नीचे जो एक्स्ट्रा पोर्शन है यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से इसकी हम फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ से इसको देखिए ऐसे कट करके निकाल देंगे, और सिलाई का देखिए जो हमने निडल से सिलाया उसका ध्यान रखना है, वो धागा हमारा नहीं कटना चाहिए, ऐसे आराम से हमें कर लेना है। और इस तरह की देखिए बूटियाँ बना करके मुझे रखनी है, तो जो हमारा कपड़ा था इस तरह की हम कुछ बूटियाँ बना करके रख लेंगे। अब इन बूटियों को हमें ड्रेस के ऊपर लगाना है जो हमने बेस बनाया हुआ है। तो देखिए कैसे करना है, हमें यहाँ पर सेंटर पर मार्क करना है। तो पहले हम इसको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे इधर से, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे इधर की साइड भी, और ये देखिएगा इधर की साइड भी, दोनों साइड हमने मार्क लगाया। मार्क लगाने के बाद ये बूटियाँ हैं इनको हम लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से ऐसे लगाएंगे एक एक करके, इनको हम हॉट ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे इस तरह से। देखिए इनको लगाना है, और यहाँ तक लगाना है जहाँ तक हमने मार्क लगाया हुआ है। अब देखिए हाफ पोर्शन में हमने इनको लगा लिया है, उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरी बूटियाँ पेस्ट करनी है। तो मैं कुछ इस तरह की देखिए गोल बूटी लूंगी, और यहाँ पर ये कैरी बूटी, आपके पास जो भी बूटी अवेलेबल हो आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको बताऊंगी सिर्फ आप वही लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्लू लगा करके पहले एक बूटी को यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे, और लगाने के बाद फिर दूसरी बूटी लेंगे हम और इसको इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर देखिए ये लगाएंगे हम इस तरह से, तो इस तरह से देखिए लगभग 3-4 बूटी मेरी यहाँ पर आएंगी, और 3-4 बूटी ही इधर आएंगी। तो ऐसे ही करके मैं इनको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। अब इन सारी बूटियों को लगाने के बाद देखिए हम स्टोन वाली स्ट्रिप लेंगे इस तरह से, और इनको कट करके देखिए मैंने लंबी स्ट्रिप में से कट किया, इनको सेंटर में यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो इसमें एक एक लाइन भी लगा सकते हैं, और चाहें तो आप ये 2 लाइन की स्ट्रिप भी यहाँ पर इस तरह से चिपका सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मैं ऐसे लगाऊंगी, और इन बूटियों के बीच में भी इसी तरह से स्ट्रिप को पेस्ट कर दूंगी।
अब देखिए स्टोन वाली स्ट्रिप भी हमने लगा ली है और कितनी खूबसूरत हमारी ड्रेस बन करके तैयार हुई है। अब हमें जो देखिए यहाँ पर ये लीव्स है और इसके बीच में स्पेस है, यहाँ इनको कवर करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगी, ये देखिए छोटे छोटे मेरे पास नग हैं, इनको तो लगा देंगे हम लीव्स के ऊपर। देखिएगा इस तरह से हर एक लीव्स पर ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ पर मैंने रानी कलर का स्टोन लिया है, ये आपके पास कोई भी हो आप उस कलर को मैचिंग करके जो अच्छा लगे उसको लगा सकते हैं। तो सारी लीव्स पर ऐसे ही लगाऊंगी मैं, ये वाली पर भी और ऊपर वाली पर भी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ड्रेस बन करके अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस बन करके तैयार हुई है। और देखिए यहाँ पर हमने चोली भी बना दी है, 10.5 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी पट्टी लेकर के हमने एक स्ट्रिप तैयार की और जहाँ से हमने सिलाई लगाई वहाँ पर हमने गोटे से इसको लॉक किया और नीचे से भी इसको मोड़ करके ऐसे लॉक कर दिया। तो ये चोली बन गई कान्हा जी की। इस तरह से ये हमारी ड्रेस और चोली बन करके रेडी हो चुकी है, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर बनी है। चलिए मैं अभी कान्हा जी को पहना करके दिखा देती हूँ कि कैसा लुक आएगा हमारी ड्रेस का। तो ये आ गए हैं देखिए हमारे कान्हा जी और यहाँ पर मैं आपको ये 4 नंबर कान्हा को पहना करके दिखाऊंगी। ड्रेस हमारी 3, 4, 5 नंबर की है, तीनों साइज को बहुत आराम से आएगी, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। 3 नंबर को बस थोड़ा सा बड़ा घेरा आएगा, जैसे कि हम थोड़ी फैली हुई सी ड्रेस पहनाते हैं अपने कान्हा जी को, कुछ इस तरह से आएगी। और 5 नंबर को थोड़ा सा छोटा आएगा, जैसे हम शॉर्ट घेरे की ड्रेस पहनाते हैं अपने ठाकुर जी को, तो उस तरह से आएगी। और देखिए 4 नंबर को एकदम से बिल्कुल फिट आई है। तो आप 3, 4 और 5 नंबर तीनों नंबर कान्हा के लिए इस ड्रेस को बहुत आसानी से बना सकते हैं और पहना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाइएगा इस दिवाली पर ये ड्रेस और आपको कैसी लगी बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।